नमस्कार, हिंदी साहित्य वार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ। दोस्तों, अगर आप भी NTA नेट GRF हिंदी की तैयारियां कर रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और इसके साथ ही साथ YouTube के अलावा हमारी जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलती हैं वो टीचमेंट एप्लीकेशन के ऊपर चलती हैं। तो अगर आपने भी इस क्लास में एनरोल होना है तो आप स्क्रीन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए हम तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना है जिसमें आपको टीचमेंट एप्लीकेशन का जो लिंक है वो वहीं पर मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमारी जो NTA UGC नेट GRF हिंदी की क्लासेस चल रही हैं, इसमें आपको लगभग जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो भी एक साथ दी जाएंगी, और साथ ही साथ आपको जो है ऑनलाइन क्लासेस का ऑप्शन भी आपके पास रहने वाला है। तो आप जितनी मर्जी चाहें उतनी बारी ऑनलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग जो है वो देख सकते हैं, और साथ ही साथ लाइव क्लासेस भी आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि इसकी ड्यूरेशन कब तक रहेगी, कि कब कब तक आपको जो है ये रिकॉर्डेड क्लासेस और लाइव दोनों ही मिलती रहेंगी, तो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको रहेंगी इसमें जब तक कि आपका UGC नेट क्लियर नहीं हो जाता। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी तैयारियों को एक बेहतर दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं, मजबूत तरीके से तैयारियां करना चाहते हैं, तो आप हमारी लाइव क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। आज हमने इसमें मानस का हंस नामक जो अमृतलाल नागर का उपन्यास है इसको रखा है। हालांकि इससे पहले NTA UGC नेट की बहुत सारी क्लासेस आपने हमारे चैनल पर देखी भी होंगी, लेकिन एक रेगुलरिटी के साथ यहाँ पर आप देखते हैं कि YouTube में क्लास लगवा पाना और YouTube के लिए जो एडिटिंग वगैरह का काम है वो बहुत लंबे प्रोसेस का रहता है थोड़ा सा, तो इसलिए हमने अपनी क्लासेस को टीचमेंट एप्लीकेशन के ऊपर रखा है। तो अगर आप डेली लाइव क्लास और उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग भी चाहते हैं, और इसमें आपको मॉक टेस्ट की सुविधा भी रहेगी, इसमें हर चीज़ आपको प्रोवाइड करके दे दी जाएगी, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के और टीचमेंट एप्लीकेशन में अपनी क्लासेस को लगा के अपनी तैयारियों को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। आई होप कि आप सब लोग इस सेशन को इंजॉय करेंगे जिसमें हम मानस का हंस अमृतलाल नागर का उपन्यास है इसकी समग्र विवेचना इसमें कर रहे हैं। जिस तरीके से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारा प्रयास है कि उसी तरीके से आपको इस क्लास में बताया जाए। आप इस क्लास को डेमो के तौर पर भी ले सकते हैं, हालांकि और भी क्लासेस हुई हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा जो एक तरीका रहता है क्लासेस में और क्लास लगाने का, और क्या आपके जो कुछ एक डाउट्स हैं वो इसमें क्लियर हो पाए हैं। तो ये सुविधा भी आपको लाइव क्लास के दौरान ही रहती है कि आपको माइक ऑन करने का ऑप्शन जो है वो वहाँ पर ही क्लास में ही मिल जाता है। तो कोई भी अगर आपकी क्वेरीज वगैरह रहती हैं तो आप क्लास में ही उन्हें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम इसमें जानने वाले हैं हिंदी उपन्यास मानस का हंस अमृतलाल नागर का जो उपन्यास है, और इससे पहले जो 7 उपन्यास 8 हम पढ़ चुके हैं उनको भी आप साथ साथ में देखते रहिए, और बहुत जल्द आपका इसका टेस्ट हो जाएगा। सैटरडे को मैंने आपको बताया था कि जो हमारी 3 कहानियां बची थी उन 3 कहानियों का टेस्ट रहेगा, ठीक है। हिंदी उपन्यास जो आपका ये अमृतलाल नागर के द्वारा रचित मानस का हंस उपन्यास से देखना, यहां से आपको सिंपली याद कर रख लेना है मानस के हंस से कि ये किसके लिए कहा गया। मानस का मतलब है यहाँ पर रामचरितमानस, ठीक है। सिंपल आप ऐसी चीज को याद रख सकते हैं कि रामचरितमानस किसने लिखा था, ये लिखा था आपके तुलसीदास जी ने, ठीक है। तो पहला प्रश्न यहां से ऐसे ही बनता है कि जो आपका मानस का हंस लिखा था ये किसके जीवन को आधार मान करके लिखा गया उपन्यास है। तो तुलसी के जीवन को आधार मानकर या फिर तुलसी के जीवन से संबंधित जो उपन्यास है वही आपका क्या है, मानस का हंस है, ठीक है। मानस से ही रामचरितमानस, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। और ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, हालांकि PGT में हमने ये पढ़ा हुआ है देखना ऑलरेडी पहले से, तो उसको वहां से देखिए। बाकी दूसरी चीज, अमृतलाल नागर ने जीवनी पर उपन्यास जो दूसरा सबसे प्रसिद्ध रहा है देखना, वो इनका किसके ऊपर रहा, खंजन नैन। अब नैन से याद रख लेना है सूरदास नैनों से अंधे थे, ठीक है। तो वहां पर उनके लिए लिखा इन्होंने खंजन नैन, और रत्नावली के लिए रत्नावली नाम से इन्होंने लिखा था, ठीक है। तो जो ये अमृतलाल नागर हैं इन्होंने किस प्रकार के उपन्यास लिखे, जीवनी परक भी लिखे, ऐतिहासिक भी लिखे, सांस्कृतिक भी लिखे, और सामाजिक सरोकारों से संबंधित उपन्यासों की रचना भी इन्होंने की है। इसीलिए हम जो अमृतलाल नागर हैं इन्हें किस श्रेणी में रखते हैं देखना, इन्हें हम सामाजिक
यथार्थवादी उपन्यासकारों की श्रेणी में भी रखते हैं। ठीक है, ये बात याद रख लेनी है आपने। और रही बात दूसरी कि जो ये हिंदी उपन्यास इन्होंने लिखा मानस का हंस, ये उपन्यास जो है हिंदी क्लासिक उपन्यासों की श्रेणी में आता है, मतलब एक उच्च श्रेणी का उपन्यास इसको माना है। कुछ विद्वानों ने यह भी माना कि भाई गोदान के बाद अगर कोई दूसरा सशक्त उपन्यास ढूंढने अगर हम निकलेंगे, ठीक है, तो ये इसी आलोचक जो है इसी उपन्यास का नाम बताएंगे। और ये कथन किसका है ये हम आगे पढ़ेंगे भी इसके बाद कि जो ये कथन जो है वो किसने कहा था, आप इसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दूसरी चीज आपको याद रख ले रहे हैं कि अमृतलाल नागर ने जितने भी अन्य उपन्यास रचे हैं देखना उनको भी आप एक बार जरूर ध्यान दें, क्योंकि इनके जो उपन्यास हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार ये एग्जाम में आपको क्रमानुसार लगाने के लिए भी पूछे जाते हैं, जैसे इनके ये शतरंज के मोहरे हो गया, ठीक है, एकदा नैमिषारण्य हो गया, एंड मानस का हंस हो गया, सात घूंघट वाला आदमी मुखड़ा हो गया, है ना, ऐसे कुछ रहे हैं इनके, करवट हो गए, तीन पीढ़ी ये पीढ़ियां हो गया, है ना, एंड अमृत और विष, बूंद और समुद्र, है ना, बंगाल के अकाल पर भी इसने महाकाल लिखा था। वो जो सारे उपन्यास हैं इन्हें भी आप याद रखें कि इनमें से इनकी कौन कौन सी कृतियां रहती हैं, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं देखना, तो इन्हें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी अमृतलाल नागर के कौन कौन से प्रसिद्ध उपन्यास रहे, किस प्रकार के उपन्यासकार ये रहे हैं, और मानस का हंस नामक उपन्यास जो रहा ये किसके जीवन पर आधारित है, तो तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित ये इनका उपन्यास रहा है। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, सिंपल सी बात। मतलब कैसा उपन्यास रहेगा, जीवनी परक ऐतिहासिक, मतलब इसमें जीवनी भी है लेकिन इतिहास को भी इसमें परिचित किया गया है। आप देखते हैं कि जब ये उपन्यास की रचना इन्होंने की थी, ठीक है, उस वक्त की जो राजनीतिक परिस्थितियां रही इतिहास में वो किस प्रकार की रही है, उन्हें भी इन्होंने आधार बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर याद रखिएगा, हो सकता है इसके बारे में भी आपको प्रश्न जो है वो पूछा जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम इसके बाद, शुरुआत से इसके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहले पहल यहाँ पर मानस का हंस, रचना वर्ष इसका क्या था, 1972। माना ये जाता है देखना कि इस उपन्यास की जो शुरुआत थी ये इन्होंने कब की थी, 4 जून 1971 में अयोध्या में इन्होंने इसकी शुरुआत की, और बाद में इन्होंने कहां पर जो है इसको समाप्त किया, लखनऊ में रामनवमी के दिन इसको इन्होंने पूरा किया था 1972 में। तो 4 जून 1971 से लेकर के 23 मार्च 1972 तक लखनऊ में रामनवमी के दिन इन्होंने इसको पूर्णता प्रदान की। अब यहां पर आप एक बात और ध्यान रखेंगे, अमृतलाल नागर का ये जो उपन्यास है जो मैंने आपको टेलीग्राम में पीडीएफ भेजी थी देखना, मानस का हंस उपन्यास की, उसकी भूमिका आपको जरूर देखनी है, भूमिका में ही इन्होंने ये चीजें उसमें दी हैं। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये भूमिका से संबंधित है देखना, मानस के हंस से रिलेटेड जो चीजें हैं वो इसमें बताई गई है। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि इसमें आप देखते हैं कि कई जगह आपको मिलेंगे कि कुल खंड या कुल अध्याय कितने हैं इसमें, कई जगह 49 दिए हैं, कई जगह आपको 31 दिए हैं। अगर आपने पीडीएफ देखी होगी अच्छे से तो उसमें आपने कितने पढ़े हैं, 49 पढ़े हैं। तो इसमें दो चीजें हैं, इसके दो भाग हैं, मतलब दो भाग का मतलब है कि दो रूपांतरण हुए हैं इसके। एक है इसका बृहद रूपांतरण, जो बड़ा रूप है इसका, उसमें ये 49 भागों में विभक्त है, जबकि जो लघु रूपांतरण है उसमें केवल 31 भागों में ही इसको क्या किया गया, इसको रचा गया है। तो ये भागों की जगह आप लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर लघु की जगह आप संक्षिप्त रूपांतरण भी इसका लिख सकते हैं कि संक्षिप्त में इसमें कितने हैं और बृहद रूप में कितने हैं। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा देखना। तो ये प्रकरण या अध्याय वगैरह मैंने पहले भी कहा है कि आपको जरूर याद रखने पड़ेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि प्रश्न कैसे पूछ जाएगा, बृहद या लघु के रूप में। ठीक है, तो ये ऐसे करके आप यहाँ पर याद रखेंगे, है ना, तो संक्षिप्त रूपांतरण अगर होगा तो 31 याद रखिएगा। ओके, अगली जो चीज आती है, मुख्य आधार क्या था, ये इसका आधार जो माना जाता है कवितावली और विनय पत्रिका को माना जाता है। ये बात भी भूमिका में ही स्वीकार की है किसने, अमृतलाल नागर जी ने, बात रखनी है याद देखना आपको कि भूमिका में ही ये सब सारी चीजें हैं जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। आगे हालांकि इस स्लाइड में और मैंने रखा है दोबारा से इनको कि इसकी भूमिका में उन्होंने कौन कौन सी बातें कही, और लंबी चौड़ी भूमिका इसने लिखी है देखना इसकी, उसको थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि भूमिका से संबंधित प्रश्न मैंने बार बार बताया देखना अक्सर पूछ लिए जाते हैं, और ये एनटीए लगातार पूछ भी रहा है भूमिका से संबंधित कुछ कुछ प्रश्नों को, इसलिए थोड़ा सा इनको एक बार देखिएगा, है ना।
तो इसमें तुलसीदास के जीवन के संघर्ष की कथा है, ठीक है, और साथ ही साथ उसके मन में उठने वाला जो द्वंद्व है उसको भी चित्रित किया गया है। द्वंद्व किसका है, एक तरफ राम का, एक तरफ काम का, यानी कि काम और अध्यात्म की समस्या का चित्रण इसमें है। ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, काम और अध्यात्म, ठीक है, इन दो चीजों में ये उलझा हुआ रहता है शुरुआत से लेकर के अंत तक, लेकिन बाद में जो है वो काम के ऊपर अध्यात्म की विजय इसमें आपको दिखानी दिखाई गई है। ये चीज आप यहाँ ध्यान में रखेंगे कि जो तुलसीदास रहा है उसका जीवन जो है वो संघर्षमय रहा, ये चीज भी है, लेकिन साथ ही साथ उसके मन के अंतर्द्वंद जो है उनको भी इसमें चित्रित किया गया है, ठीक है। और मुख्य आधार इसने बोला कि कविता और कवितावली और विनय पत्रिका। इसने बोला कि जब मैंने इस उपन्यास की रचना शुरू की तो उससे पहले मैंने जो है इन दो रचनाओं का अध्ययन जरूर किया था। अब ये दो रचनाएं कौन कौन सी हैं, इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। इनमें आपको याद रखना है कि एक थी कविता वाली, दूसरी थी विनय पत्रिका। तो इसने लिखा कि इस उपन्यास को लिखने से पहले मैंने कविता वाली और विनय पत्रिका को खास तौर से पढ़ा, ठीक है। और जब हम तुलसीदास के बारे में पढ़ भी रहे थे, देखा वहां पर हमने ये भी पढ़ा था कि तुलसी को जानना है तो हमें किस रचना को पढ़ना चाहिए, बताएगा कोई कि अगर हमें तुलसी के व्यक्तित्व को जानना है तो कौन सी रचना पढ़ना जरूरी है। कवितावली नहीं, तुलसी के लिए विनय पत्रिका, अगर राम को जानना हो तुलसी के राम को तो कवितावली, ऐसे था है ना। ओके, ओके सर तो इसको भी याद रखिए, ये सामान्य सी चीज है। तो कवितावली और विनय पत्रिका दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, इन्हें आपको ध्यान में रखना है, जो आधार भी मानी जाती है। हालांकि इसके अलावा इसने ये भी बोला कि जो गीतावली और दोहावली रही है उससे भी इन्होंने तुलसी के जीवन की कुछ झांकियां ली हुई हैं। ये बात सारी की सारी भूमिका में लिखी हुई है, देखना, ये याद रखनी है आपको, ठीक है। लेखन की शुरुआत मैंने बता दी कि कब किया था इसको शुरू, काशी और अयोध्या के धार्मिक वातावरण का चित्रण रहा इसमें, तत्कालीन समय की जो सामाजिक परिस्थितियां रही हैं उनका चित्रण रहा, इसलिए जो ये जो है एक ऐतिहासिक उपन्यास जो है वो बन पाया है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। रत्नावली की त्यागमयी मूर्ति भी इसमें बताई गई है, और साथ ही साथ तुलसी के मन का अंतर्द्वंद, ये चीजें भी इसमें चित्रित हुई हैं इस उपन्यास में। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि तुलसी के जीवन से संबंधित जो चीजें रही हैं उनको इसमें लिखा गया है, और ये बात इन्होंने स्वयं स्पष्ट की है। देखना कि तुलसी का जीवन वृत्तांत जो है वो इतना ज्यादा प्रमाणिकता के साथ जो है वो कहीं नहीं मिलता है। चार पांच रचनाओं का इसने जिक्र जरूर किया है उसमें कि जो सही जीवन कथा है उसकी वो भले ही हमें ना मिलती हो, लेकिन फिर भी रघुवर दास हो गया और बेनी माधव दास हो गया, जिन्होंने इनके जीवन से संबंधित जो चीजें लिखी हुई है देखना, उनको आधार मान करके और लोगों को पूछ पाछ करके जो है इन्होंने ये रचना जो है वो पूरी की है, ठीक है। ये बात आप यहाँ पर ऐसे करके इसको ध्यान में रखेंगे, और ये बातें इन्होंने कहाँ पर कही है इसकी भूमिका में, ठीक है। तो ये हो गया सामान्य सी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी थी कि किसके जीवन से संबंधित है मानस का हंस। आगे आता है यहां पर, देखिए मानस के हंस की जो पात्र योजना है इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले यहां पर तुलसीदास ही है जो केंद्रीय पात्र है, देखना, बचपन का नाम इसका राम बोला है, ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। पार्वती जो तुलसी को पालने वाली महिला थी, नरहरि बाबा जो तुलसी के गुरु और अभिभावक इसमें माने जाते हैं। तो यहां पर आपको इनके जितने भी ये पात्र रहे हैं इनके बारे में थोड़ा सा याद रख लेना है कि कौन कौन से जो है वो मुख्य पात्र इसमें आए हैं, ठीक है। तो इन्हें आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रख लेना, देखिए जो आपका मुख्य पात्र है ना तुलसी, इसके इर्द गिर्द ही पूरी स्टोरी घूमती है, लेकिन अन्य पात्र भी यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पार्वती है ये इसको पालती है, लेकिन 5 वर्ष की इसकी आयु जब होती है तो उस वक्त इसकी भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जो नरहरि बाबा थे ये तुलसी के गुरु और अभिभावक माने जाते हैं, नरहरि दास ही जो है इनका नामकरण भी क्या कर देते हैं, इनका नामकरण ये तुलसी करते हैं, ठीक है। राम बोला से तुलसी के इसने बोला नरहरि दास ने, ठीक है। और नरहरि दास ही बाद में इनको जो है वो शेष सनातन के पास ले जाते हैं जो इनके शिक्षा गुरु बनते हैं, यानी कि नरहरि दास हो जाएंगे दीक्षा गुरु जो आपने पहले पढ़ा था, और शिक्षा इसने प्रदान की, शिक्षा को सही तरीके से कैसे इंप्लीमेंट करना है ये इसने सिखाया नरहरि दास ने, इसके हम इनको शिक्षा और दीक्षा गुरु में बांटते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। एक इसमें मोहिनी आती है जो वृद्ध कोतवाल की बेटी है, इसके प्रति जो है वो तुलसी क्या रहते हैं, आसक्त होते हैं, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, देखना ये भी महत्वपूर्ण पात्र है इसमें, मोहिनी जो गायिका है वृद्ध कोतवाल की ये
बेटी है। रत्नावली जो है पाठक जी की पुत्री है, उसका पूरा नाम क्या है पाठक का? देवकी नंदन कुछ ऐसा नाम रहा उसका, है ना, क्या नाम था इसका, जो इसके पिता थे रत्नावली के, है ना, उसको याद रखिएगा। आगे यहाँ पर अगला जो नाम है वो किसका याद रख लेना, रत्नावली का ही, पाठक जी की पुत्री और तुलसी की पत्नी। यहाँ पर आपको ये ध्यान रख लेना है कि जो दीनबंधु पाठक, सॉरी क्या नाम था उसका, दीनबंधु पाठक, इसकी ये पुत्री रही है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर याद रख लेना है इसमें कि जो ये रत्नावली थी, इसे माना जाता था कि ये एक बुद्धि बुद्धिमान, बुद्धिमान का उल्टा होगा बुद्धिमती, ठीक है, यानी कि ये बहुत प्रतिभा, मतलब असाधारण प्रतिभा की धनी आप इसको कह सकते हैं। कि रत्नावली के चरित्र की जो विशेषता इसमें बताई गई है कि ये ज्योतिष विद्या में पारंगत रही, ठीक है, एंड साथ ही साथ जो है ये असाधारण प्रतिभा की धनी मानी जाती है। इसे भी आप यहाँ पर याद रखिएगा, विदुषी रही, एक विदुषी महिला के रूप में ये चित्रित है यहाँ पर, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा रत्नावली से संबंधित। इसके अलावा अन्य जो पात्र हैं, देखिए यहाँ पर टोडर हैं, गंगाराम हैं, जयराम साहा हैं, मेघा भगत है, कैलाश है, ये जो सारे हैं ये किसके हैं, तुलसी के मित्र हैं और भक्त हैं। तो यहाँ पर आपको याद क्या रख लेना है कि जो कैलाश है, देखना ये भी शेष सनातन का ही शिष्य है, एंड तुलसी का सहपाठी और मित्र भी है। तुलसी इसको बहुत सारी चीजें समझाते भी हैं, और जो हम आगे कथनों के जरिए जानने की कोशिश भी करेंगे, और इसके संवाद जो तुलसी के साथ हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है उनके बारे में पूछा भी जाए, ठीक है। इसमें जो टोडर और गंगाराम हैं ये भी इनके मित्र ही हैं, देखना टोडर जो है एक तरीके से आपका जो ऐतिहासिक पात्र ही है, ठीक है, उसको याद रखिए। साथ ही साथ यहाँ पर गंगाराम जो है ये तुलसी के दोस्तों में ही माना जाता है, और ये भी ज्योतिष विद्या में क्या है, प्रवीण था, एंड इसलिए ही इसने क्या लिखी थी, गंगाराम के लिए ही इसने अपनी जो राम आज्ञा प्रश्न थी इसको लिखा था, राम आज्ञा प्रश्नावली प्रश्न थी ना इसकी, वो इसके लिए ही इसने लिखी थी, ये बात आप यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है, तो इसको याद रखिए। इसके अलावा कोई और जो यहाँ पर पात्र हैं, देखना इतने ज्यादा जरूरी पात्र इसमें नहीं है, जो अन्य पात्र हैं उनके खाली आपको नाम पता ही होने चाहिए। यहाँ पर अन्य पात्रों में राजा भगत बड़ा इंपॉर्टेंट पात्र है, देखना ये तुलसी के मित्र माने जाते हैं, सरल और भक्त हृदय का व्यक्ति है ये, ठीक है, इसको आप याद रखना है। एंड साथ ही साथ इसने मतलब तुलसी को बहुत प्रकार के माया जालों से बचाने का काम भी किया है, जो ये राजा भगत थे, मतलब ये आप कह सकते हैं कि ये तुलसी का सच्चा मित्र रहा है, हालांकि मित्र ऊपर वाले भी रहे, ये भी उनके अच्छे दोस्त रहे हैं, लेकिन ये जो आपके पास यहाँ पर राजा भगत हैं, ये जो है इन्हें बहुत सारे माया जालों से बचाता है, चाहे वो राजकंवरी, विधवा राजकंवरी हो, चाहे वो चमर चमारी हो, ठीक है, ये इनसे इनको बचाता रहता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर इससे याद रखिएगा, देखना हो सकता है इसके बारे में भी आपको प्रश्न में पूछा जाए। इसके अलावा यहाँ पर अन्य पात्रों में याद रख लेने हैं आपको, तुलसीदास के कुछ एक विरोधी भी रहे हैं इसमें, जैसे चमो सावाहिन हो गई है, ठीक है, और एक नाम आता है इसमें किसका, जो बहुत महत्वपूर्ण नाम था देखना, वो है आपका बटेश्वर दत्त, ये जो है रामचरित मानस को क्या बोलता है भाई, मतलब विरोध करता है ये रामचरित मानस की, और ये तुलसी का शत्रु माना गया है इसमें, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, बटेश्वर दत्त, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपको। एक पात्र और आता है इसमें देखना, इनमें से शायद मैना कहारी, इसको पूछा गया था कि ये किस उपन्यास की पात्र है, और शायद भगत से भी ये प्रश्न पूछा गया था, एक मेघा भगत है और एक जो है राजा भगत है, और इस राजा भगत के नाम से ही जो तुलसी का जो जन्म स्थान रहा है देखना, पहले जिसको राजापुरम कहते हैं ना, उसका नाम था विक्रमपुर, लेकिन तुलसी के आग्रह पर ही राजा के नाम से ही इसका नाम जो है वो उसने बताया कि वो क्या पड़ा, राजापुर नाम रखा गया था, ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। ओके, ये सामान्य सी चीजें हैं पात्रों से संबंधित जिन्हें आपको याद रखना पड़ेगा, अन्य पात्रों से खाली आपको नाम पता ही होने चाहिए, देखना कि अन्य पात्र इसमें कौन कौन से रहे हैं, तो इन सब को याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तारापति है, जबकि दूसरी तरफ हमने पढ़ा था सिर्फ तारा, तारा किस उपन्यास की पात्र है, झूठा सच कहे, सॉरी हाँ झूठा सच, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, जी, याद रखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं, कॉमन सी चीजें हैं, इन्हें याद रखना पड़ेगा। ओके, तो ये जो अन्य पात्र हैं इनको सबको देखिए इसमें ना, जितने भी नाम आते हैं देखना, चाहे वो बेनी माधवदास हो, है ना, ये इसका शिष्य रहा है तुलसी का, इसके बारे में आप याद रखिएगा, तारापति जो है इसके बेटे थे, जो
तुलसी और रत्नावली रही है ना, इनकी औलाद थी तारापति, ठीक है, इसको याद रखिए। ओके, तो ये हो गए यहाँ पर इसके जो विविध पात्र रहे हैं, चाहे वो मुख्य पात्र हों चाहे फिर आपके गौण पात्र रहे हों। इसके अलावा इसमें और भी आते हैं, जैसे अब्बू खां पठान आता है, परमेश्वरी आता है, ठीक है, एंड भैंसिया आता है, ठीक है, ऐसे कुछ अन्य पात्र रहे हैं इसमें, तो इन्हें आप एक बार जरूर याद रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक अन्य पात्र आता है टोडरमल, टोडर से भी कुछ चीजें याद रख लेनी है, क्या पता इसकी भी विशेषताएं अगर आपको पूछी जाए तो ऐसा याद रख लेना कि ये एक ऐतिहासिक पात्र है जो तुलसी का भक्त माना जाता है। देखना, ये माना जाता है कि जो रामचरितमानस की रचना है, देखना, इसको शांत वातावरण में करवाने के लिए इसने क्या किया था, तुलसी के रहने की व्यवस्था जो है वो हनुमान फाटक पर की थी। कहाँ पर की इसने, तुलसी के रहने की व्यवस्था की, तुलसी के लिए शांत वातावरण मिले, तो ये टोडर ने कहाँ पर की थी, हनुमान फाटक, ठीक है, इसको याद रख लेना है। ओके, ये बात याद रखिएगा। एंड ये बहुत ही कैसा माना जाता है देखना, साथ साथ में आपको ये भी याद रख लेना है कि ये मतलब जो आपका तुलसी है इसको शांत करवाने में भी ये भूमिका निभाता है, तो निर्भीक भी है ना, और साथ ही साथ आप ये देखें कि ये इनके दोस्तों में भी रहा और तुलसी का भक्त भी रहा, एंड तुलसी के लिए एक अच्छा माहौल प्रदान करने के लिए क्या करता है, हनुमान फाटक पर इसके लिए व्यवस्था भी करता है भक्ति की, या रचना रचने के लिए, रामचरितमानस को लिखने के लिए, ठीक है। तो ये बातें हैं जो आपको थोड़ा सा इनसे याद रख लेना है ना। तो ये हो गया यहाँ पर आपका राम, ये अमृतलाल नागर का मानस का हंस, इसमें जो मुख्य मुख्य चीजें हैं जिनके बारे में आपको याद रख लेना है। ओके, इसके बाद हम आगे देखते हैं मानस का हंस की संक्षिप्त रूप में समीक्षा, कि कौन कौन सी चीजें हैं जो इस मानस का हंस में आई हैं। सबसे पहले आपको याद रख लेना है यहाँ पर तुलसीदास क्या है, एक सामान्य पुरुष के रूप में चित्रित हुआ है। सबसे पहले इसमें क्या है, तुलसी के बचपन से लेकर राम नाम के मार्ग में लीन होना बताया गया है, ठीक है। बचपन में उसे किन किन कष्टों से गुजरना पड़ता है, ठीक है, कई बार उसको ब्राह्मण बच्चों के साथ जो है वो सजा दी जाती थी कि उनके साथ खेले और वो उनका मजाक उड़ाते थे, ठीक है, इससे भी वो बहुत ज्यादा क्षुब्ध होता था, ठीक है। एंड भिक्षा मांगना उसे अच्छा नहीं लगता था, वो अपनी माँ पर जो अपने पालन पोषण करने वाली जो पार्वती थी उससे ये कहता था, ठीक है। फिर जो है दूसरी तरफ क्या रहता है कि मृत्यु तक की समस्त घटनाएं इसमें रही हैं, ठीक है। जन्म जो है इसके संकट काल में होता है, माना यह जाता है कि अभुक्त मूल नक्षत्र में इसका जन्म हुआ, और जन्म लेते ही माता श्री का देहांत हो गया, पिता ने एक मुनिया नामक जो एक दासी रही है उससे जो है इस बालक को गांव की सीमा से बाहर फेंक देने का आदेश दे डाला था, लेकिन वो उसको पार्वती के पास ले जाती है, ये चीज ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत कष्टों में इसका समय बीता, अभी 5 वर्ष का ही हुआ, उतने में पार्वती का भी देहांत हो गया और ये दर दर की ठोकरे खाने के लिए जो है वो भटकते रहे। नरहरिदास से फिर उन्होंने नरहरि बाबा, इसका जिक्र नाम हुआ इस मानस का हंस में देखना उसका, नरहरि बाबा या बाबा नरहरि, ये नाम कुछ रखा है इसमें, ठीक है। तो फिर इनसे इन्होंने शिक्षा ली, ठीक है, और इन्होंने ही माना यह कि गायत्री मंत्र सबसे पहले इन्होंने ही सिखाया इनको, और जो आपका एक दिन जो है ब्रह्म मुहूर्त में क्या किया गया था, इनका उपनयन संस्कार भी हुआ था, ठीक है, मुंडन यानी कि, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि इन्होंने यहाँ पर इनका नामकरण भी किया था नरहरिदास ने। फिर नरहरि की जब मृत्यु हुई उसके बाद ये मोहिनी के प्रति आकर्षण रहा इनका, लेकिन संरक्षिका के डांटने के बाद ये यात्रा आरंभ की और राजा भगत के संपर्क में आए। फिर जो राजा भगत थे देखना, इनके संपर्क में आकर ये राम भक्ति की ओर ज्यादा अग्रसर हुए। पंडित दीन बंधु की पुत्री रत्ना से तुलसी का विवाह हो जाता है और पत्नी के कारण सांसारिक मोहमाया से ये दूर हो जाते हैं, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। हालांकि और भी इसमें बहुत सारी घटनाएं चलती रहती हैं, लेकिन अगर आप एक ही इससे चलेंगे इसको देखते हुए, तो ये जो मेन घटनाएं इसमें रही हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है पत्नी के साथ साथ आप देखेंगे कि इस जो गंगेश्वर होता है, जो इस रत्नावली का भाई होता है, ठीक है, वो भी इसकी क्या उड़ाता है, इस पर व्यंग्य करता है तुलसी पर कि जो अपनी पत्नी के पीछे जो है चला आया, और इस वजह से ये भक्ति की ओर जो है प्रवृत्त हुए, ठीक है। तो सांसारिक मोहमाया से दूर ये रत्नावली और गंगेश्वर, इन दोनों की वजह से हुए, लेकिन ज्यादा जिक्र जो आता है वो रत्नावली के नाम से ही मिलता है। और तीर्थ यात्रा करके ये राम भक्ति में लीन हुए। फिर रामचरितमानस की
रचना के दौरान काशी के पंडितों के द्वारा इनका तिरस्कार भी हुआ। ठीक है, तो काशी के जो पंडित थे देखना, उन्होंने इसका क्या किया, तिरस्कार भी किया भाई कि ये कैसे नामचरित मानस जो है वो रचना रच सकता है। पत्नी का फिर देहावसान हो जाता है इनकी पत्नी का। फिर रामकथा का प्रवचन चित्रकूट में इन्होंने दिया था और वहां पर इन्हें बहुत सारी प्रशंसा भी मिली थी एंड लोगों ने इसे अपने हृदय में स्थान देना शुरू कर दिया था। और फिर काशी में विनय पत्रिका का अंतिम पद इन्होंने लिखा और काशी के 80 घाट पर ही इनकी मृत्यु हुई थी। और जो चीज आप देखते हैं कि ये संवत 1680 अस्सी अंग के तीर सावन श्रवण सप्तमी क्या था वो शुक्ल सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर, ऐसी जो पंक्ति आती है इनकी देखना, इनकी मृत्यु के संदर्भ में वो यहीं से याद रखनी है कि काशी के 80 घाट में किसकी मृत्यु हुई थी, ये हुई थी तुलसीदास की मृत्यु। और इस तरीके से इस उपन्यास का अंत भी यहीं पर हो जाता है विनय पत्रिका के अंतिम पद लिखते हुए। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं कि जो आपका तुलसीदास का जीवन वृत्तांत रहा पूरा, शुरू से लेकर के अंत तक सारी घटनाएं इसमें समाहित हो जाती हैं। ठीक है, तो मोटे तौर पर अगर हम मानस के अंश की समीक्षा करें तो आप सिंपल इतना कह सकते हैं कि इसमें तुलसी के जीवन को ही चित्रित किया गया है, लेकिन उसके जीवन के दौरान आने वाली जो और चीजें रही, चाहे वो सामाजिक परिस्थितियां हो चाहे फिर राजनीतिक परिस्थितियां रही हो, ठीक है, उन सब में जो सबको यहाँ पर जो है वो बताया गया है। ठीक है, ये याद रखना है यहाँ पर आप लोगों को। ओके, चलिए अब हम आगे जानेंगे इसके बाद मानस का हंस की भूमिका से कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें ली गई हैं। तो उपन्यास लिखने का संकल्प, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखना, इस संदर्भ में इन्होंने एक बात कही थी कि महेश कौल जो इनके परम मित्र माने जाते हैं, ये स्वर्गीय हैं, इनको याद रखिएगा, स्वर्गीय लिखा है इसने। ठीक है, कि ये एक फिल्म निर्माता निर्देशक हैं, है ना, जो महेश कौल रहे स्वर्गीय। इन्होंने पूरी बात क्या कही थी कि कुछ साल पहले या गत वर्ष ऐसा लिखा था कुछ ना, कि ये इनसे मिले, ठीक है, एंड कोई एक विशेष अवसर था जिस पर ये वहां गए थे और इन्होंने अपने मित्र ये जो महेश कौल थे इनके साथ विचार विमर्श किया था। ठीक है, कि इस प्रकार से एक उपन्यास लिखना भाई तुलसी के जीवन से संबंधित। ठीक है, तो आपका सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किससे इन्होंने सलाह मशवरा किया या फिर उससे पहले इन्होंने ये इस उपन्यास को लिखने का संकल्प लिया, किसके साथ बैठकर विचार करके। तो याद रख लेना है स्वर्गीय जो महेश कौल रहे हैं इनके साथ। ठीक है, तो निर्माता और निर्देशक। ओके, उपन्यास लिखने से पूर्व तुलसी की दो रचनाओं का अध्ययन, कवितावली और विनय पत्रिका, ये मैंने पहले ही पढ़ लिया। और इसने तुलसी का जन्म स्थान यहाँ पर क्या माना है, राजापुर ही माना है। और तुलसी का जन्म स्थान राजापुर मानने वाले जो लेखक रहे हैं वो कौन कौन से रहे, इसके बारे में भी आपको याद रख लेना है। देखना, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर उदय भानु सिंह, इनका जिक्र भी इन्होंने किया है कि जो जन्म स्थान उन्होंने बताया फिर वही जन्म स्थान जो है मैंने भी रखा। और राजापुर को ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसका क्या माना है, जन्म स्थान माना है, जो आपका तुलसीदास रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी तुलसी के जन्म स्थान को वही माना जो ये आपका यहाँ पर इन बाकी लेखकों ने या बड़े जो समर्थ आलोचक रहे हैं उन्होंने जो नाम दिया इनके जन्म स्थान का। ठीक है, दूसरा कौन सा क्षेत्र आता है इसके जन्म स्थान को लेकर, देखना, सोरों। ठीक है, तो कुछ विद्वान जो है सोरों को भी मानते हैं कि इनका जो जन्म स्थान रहा है सोरों, उत्तर प्रदेश भी। ठीक है, लेकिन राजापुर ये याद रख लेना, ये अमृतलाल नागर ने भी माना है। कथानक के ढांचे को बनाने में सहायक ग्रंथ कौन कौन से रहे, तो इनमें भी आप याद रखिएगा कथानक के ढांचे को सहायक बनाने वाले ग्रंथ, एक था काशी का इतिहास, इसके लेखक हैं मोतीचंद्र। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, देखना मोतीचंद्र के इतिहास जो काशी का इतिहास था ये इस मानस का हंस नामक उपन्यास की कथा वस्तु में सहायक हुआ। फिर दूसरा आता है यहाँ पर अकबर, इसके रचयिता थे राहुल सांकृत्यायन, इसे भी याद रखिएगा। फिर तीसरी ग्रंथ रही तुलसीदास माता प्रसाद गुप्त, इस पुस्तक से भी इन्होंने सहारा लिया। और तुलसी काव्य मीमांसा डॉक्टर उदय भानु सिंह की रचना। ठीक है, तो ये भी क्या रहेगी, ये चार पुस्तकें हैं जिन पुस्तकों का सहारा इन्होंने क्या लिया, इन इस मानस का हंस की कथा वस्तु यानी कि इसकी स्टोरी को बनाने के लिए इन्होंने लिया। ठीक है, हालांकि दूसरी तरफ हमने देखा था कि जो आपका ये भूमिका में ही इन्होंने एक और बात भी कही थी, देखना, कि
जो चार पांच रचनाएं आती हैं देखना, उसमें जो है वो तुलसी का जीवन चरित है। वो पांच जीवन पांच रचनाएं कौन कौन सी थी? रघुवर दास की, बेनी माधव दास के द्वारा, कृष्ण दत्त मिश्र का नाम दिया था, एंड अविनाश राय और तुलसी साहब। ये याद रख लेना कि किन पांच लोगों ने तुलसी का जो जीवन चरित्र जो है वो रखा था, जिनका जिक्र अमृतलाल नागर ने किया है। तो एक नाम लिखना अविनाश राय, लिख लीजिए, ये भी भूमिका में ही लिखा है, इसमें लिखना। पर आप अगर पढ़ेंगे खुद से तो आपको याद रखना है। माता प्रसाद नहीं, सॉरी, अविनाश राय। इसके अलावा एक नाम याद रख लेना है, संत तुलसी साहब, तुलसीदास नहीं है देखना, तुलसी साहब है ये। और एक याद रख लेना है आपको, रघुवर दास और मूल गोसाई, चरित्र जिनकी रही है देखना, रघुवर दास और बेनी माधव दास। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखेंगे, रघुवर दास की तुलसी चरित, बेनी माधव दास की जो है वो मूल गोसाई चरित, ये थी ना। तो इनको आप याद रखिएगा कि ये जो चार रचना कर रहे हैं, इन्होंने भी तुलसी के जीवन चरित्र को रखने का प्रयास किया है, लेकिन बाकी विद्वानों ने ये बोला कि इसके बारे में कोई प्रामाणिक जो है वो जानकारी नहीं दी है तुलसी के बारे में। तो इन चार नामों को याद रखिएगा, और चार जो है इसके सहायक ग्रंथ है जिन्हें आपको याद रखना है। तो ये भूमिका में ये कह रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात और कही है अमृतलाल नागर ने इसकी भूमिका में, वो कौन सी है? इन्होंने बोला कि तुलसी ने वर्णाश्रम धर्म का पोषण भले ही किया हो, पर संस्कारहीन कुकर्मी ब्राह्मण क्षत्रिय आदि को लताड़ने में वे किसी से पीछे नहीं रहे। ये बात महत्वपूर्ण है देखना, यहाँ पर इसको याद रखिएगा, हो सकता है इसके बारे में आपको प्रश्न पूछा जाए कि ये बात किसने कही थी तुलसी के बारे में, कि भाई भले ही ये वर्णाश्रम धर्म को मानते हो, ठीक है, जिसमें चार जो वर्ण व्यवस्था है ना, तो लेकिन फिर भी ये बोल रहा है कि जो संस्कारहीन है, जो ब्राह्मण कुकर्मी है, ठीक है, क्षत्रिय जो है वो सही नहीं है, उनको भी इन्होंने क्या किया है, लताड़ा है, उसे ये पीछे नहीं हटे हैं। ठीक है, इनका जीवन जो है वो संघर्ष, विद्रोह और समर्पण भरा रहा है, इस दृष्टि से वह अब भी प्रेरणादायक रहे हैं। तो यहाँ पर अमृतलाल नागर मानते हैं कि तुलसी अपने आप में क्या है, प्रेरणादायक व्यक्तित्व रहे हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें थी इसकी भूमिका में, जिसको इसने नाम दिया है आमुख। भूमिका को क्या कहा गया, मतलब आमुख में बातें आती हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद मानस कहां की मुख्य घटनाएं, जहां से हमें और थोड़ा सा पता चलेगा कि इस उपन्यास में क्या क्या चीजें हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर पहली चीज आती है, अभुक्त मूल नक्षत्र में तुलसी का जन्म, वो माता की मृत्यु और पिता द्वारा उसका त्याग करना। ये जो सारी चीजें हैं, इनको आप सबसे पहले यहाँ पर याद रखेंगे कि जो मानस का हंस नामक कृति रही है, देखना ये इसमें पहले पहल कहाँ से शुरुआत हुई है, इसके जन्म से ही शुरुआत हुई है। ठीक है, इनकी माता का नाम था हुलसी, ये भी आप याद रखिएगा। हुलसी की मृत्यु हो जाती है और पिता आत्माराम, आत्माराम ये कहते हैं कि ये अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्मा हुआ बच्चा है भाई, इसलिए जो है इसको मतलब अपने माता पिता के लिए क्या है, ये काल बनकर आया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आप याद रखना। ठीक है, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि उस वक्त जो है गांव में क्या थी, मुगलों की जो छावनियां थी ना, उस पर जो है धावा बोलने की तैयारियां हो रही थी। ठीक है, तो इसलिए हर जगह जो है वो भय का वातावरण रहा, यानी कि जब इनका जन्म भी हुआ तो देश में स्थिति क्या थी, वो मतलब ठीक नहीं थी। तो एक तरफ जो है राजनीतिक परिस्थितियां, दूसरी तरफ जो है इसके जीवन की जो स्थिति है वो भी ठीक नहीं रही। इसलिए जो है ये आत्माराम जो इनके पिता है देखना, ये मुनिया नामक दासी से कहते हैं कि भी इसे वो छोड़कर मतलब गांव के बाहर जो है रखे। तो फिर बाद में किसके पास, वो पार्वती के पास जो है इसको रख दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर याद रख लेना है। दूसरी घटना आती है, रामबुला को भीख मांग मांग कर पेट भरना पड़ता है और जात पात के भेदभाव का दुख इसको सहना पड़ता है। ठीक है, मतलब 4-5 वर्ष की आयु में ही क्या हो गया, इनकी माता जो पार्वती, जो बाद में इनकी अम्मा बनी देखना, जिसको यमा कहते थे, ठीक है, भीख मांगकर इन्होंने उसके साथ गुजारा किया, लेकिन 5 वर्ष के बाद ही उनकी भी मृत्यु हो चली थी। लेकिन ये साथ में कहते हैं देखना कि मुझे जो पेट जो भीख मांगना जो है मुझे अच्छा नहीं लगता, तो पार्वती इससे क्या करती है, वो बोलती है कि भैया ये तो पिछले जन्म के कर्म है हमारे, तो हमें भोगना पड़ता है, तो ये इस चीज को देख करके क्या हो जाता है, वो चुप करा देती थी इसको इस तरीके से। ठीक है, दूसरी तरफ ये क्या कह रहा है कि जात पात के भेदभाव का इसे दुख है, क्योंकि
माना यह जाता है कि जो रामभुला था देखना वो ब्राह्मण लड़कों के साथ खेलने का, जो मैंने पहले भी आपको बात बता दी थी कि ब्राह्मण लड़कों के साथ खेलने की इसको सजा मिलती थी, और भेदभाव से ये जब वो उसके साथ भेदभाव करते थे तो उनसे ये क्षुब्ध हो जाता था। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके बाद बचपन में ही अनाथ भी ये हो गया था। ठीक है, तो ये बात भी आप यहाँ पर याद रखें। इसके बाद जब ये अनाथ हो जाते हैं देखना, तो ऐसी स्थिति में इन्होंने किसको किया अपना, मतलब हनुमान को इन्होंने याद किया। ठीक है, तो ये बात याद रखेगा कि ये हनुमान जी से क्या मांगते हैं, मदद मांगते हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है देखना कि दुख के क्षणों में इन्होंने किससे मदद मांगी, जब इनका इनके ऊपर से माता पिता का तो साया पहले से उठ गया था, लेकिन 5 वर्ष की आयु में जब पार्वती भी मतलब चल बसी, तो उसके बाद जो है वो बहुत कष्टों में ये बीते बीता इनका जीवन। तो इस वक्त इन्होंने किससे मांगी सहायता, मतलब मदद मांगते थे ये हनुमान जी से। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रख लेना है कि इसके बाद नरहरी से इनकी भेंट हुई, और अयोध्या में ये तुलसी इनका नामकरण जो है वो हुआ है। तो माना ही जाता है देखना कि शुकर क्षेत्र यानी कि सोरो में ही इनकी भेंट जो है वो इनसे हो गई थी, और अयोध्या में ही इनका नामकरण जो है वो हुआ था। ठीक है, तो ये बात याद रख लेना आपको। एंड राम इनको ये बात किसने कही कि तुम्हें संस्कार देने का समय आ गया है, ये नरहरि ने कहा था। क्या बोला था इसने कि तुम्हें संस्कार देने का समय आ गया है। तो तब इन्होंने क्या किया, इसको पहले तो इसको नामकरण दिया, और दूसरी तरफ जो है इस दौरान क्या था, मुगलों और पठानों का जो है वो क्या था, संघर्ष जो है वो जारी था। ठीक है, लेकिन इसी दौरान ही इसका भी इन्होंने मुंडन करवाया और साथ ही साथ इसका नामकरण भी हुआ। ठीक है, फिर काशी ये इसको ले जाते हैं देखना, शेष सनातन से मिलवाते हैं, और शेष सनातन को सौंप कर इनको ये मतलब और ज्यादा शिक्षा प्रदान करते हैं, और इस तरीके से शिक्षा गुरु इनके शेष सनातन को बनाया जाता है। ठीक है, इनसे ये मिलते हैं और गंगाराम से इनकी मित्रता भी यहीं पर ही हो जाती है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर आप याद रखिएगा देखना कि काशी में किससे मिलते हैं, ये शेष सनातन से, और उनसे शिक्षा मिलते हैं, वहां पर इनकी भेंट गंगाराम से होती है, और गंगाराम से ही ये क्या कर लेते हैं, मित्रता भी कर लेते हैं, मन के भय पर ये विजय पा लेते हैं, और श्रीराम और हनुमान को ही अपना इष्ट स्वीकार भी करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर याद रखेंगे देखना कि जो आपका तुलसीदास जी हैं, ये हनुमान जी को क्या करते हैं, अपना इष्ट मानते हैं, लेकिन साथ साथ में श्री राम जी को भी। ठीक है, ये बात याद रखने लायक है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर तुलसी की मेघा भगत से भेंट होती है, वह मोहिनी बाई पर ये आसक्ति इसकी बताई गई है, और यहाँ पर ही इसके राम और काम के द्वंद्व का चित्रण जो है वो हुआ है। ये बात ध्यान रख लेना कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने बताई है ये बात देखना, और ये प्रीवियस पेपर में पूछा गया है कि किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व जो है वो बताया गया है। ठीक है, इसको हम काम और अध्यात्म भी आप कह सकते हैं, राम जो है अध्यात्मिकता का रूप है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राम और काम का द्वंद्व किसके आने से, जो यहाँ पर कौन रहती है देखना, कि जो ये मोहिनी बाई होती है, तो मेघा भगत ये भी इनके दोस्त हैं देखना, इनसे इनकी भेंट होती है, लेकिन मोहिनी बाई पर ये आसक्त हो जाता है। ठीक है, ये बात याद रख लेना। साथ ही साथ आप देखेंगे कि तुलसी का वापस आना और अपनी जन्मस्थली विक्रमपुर जाना एवं राजा भगत से भेंट हो जाती है। तो तुलसी बाद में क्या हो जाता है, वापिस अपनी जन्मस्थली यानी कि विक्रमपुर चला जाता है, और राजा से इसकी भेंट होती है, जो राजा भगत होता है। एंड राजा के प्रयासों से ही तुलसी का विवाह रत्नावली से हो जाता है। तो ये राजा भगत जो होता है देखना, यही जो है इनका मतलब बहुत प्रयास करता है कि इसका विवाह जो है वो रत्नावली से हो जाए, और रत्नावली से इसका विवाह हो जाता है, और ये विवाह के उपरांत जो है वो रत्नावली के प्रेम में ही डूबा रहता है, और बेटे का जन्म ऐसे ही इनका हो जाता है। यहाँ पर जन्म की बात गलत हो गई, इसको ठीक कीजिएगा आप। तो यहाँ पर आप देखेंगे साथ ही साथ जो रत्नावली है इसके साथ प्रेम है। ठीक है, प्रवचन करने फिर ये काशी जाते हैं, और लौटकर भयंकर बरसात में रत्नावली से मिलने ससुराल आते हैं, ससुराल चले जाते हैं, क्योंकि जब ये प्रवचन करने काशी गए होते हैं तो उस वक्त क्या आती, जब ये लौटे हैं वहां से तो भयंकर बरसात का मौसम था, तो ये रत्नावली से मिलने जो है वो सीधे ससुराल ही चले जाते हैं। तो इस बात से पहले रत्नावली खुश तो होती है, लेकिन बाद में ये क्या हो जाता है, मतलब इसको अच्छा तो लगता है पर
ये इसको उलाहना दे देती है कि तुम ऐसे कैसे जो आप मेरे पीछे पीछे आ सकते हो, इतना ध्यान अगर मेरे ऊपर लगा रहे हैं तो यही ध्यान अगर ईश्वर की तरफ लगाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा भाई। ठीक है, तो इस बात से प्रभावित हुए थे और इसी बात को लेकर के आप देखते हैं कि हिंदी साहित्य में निराला ने बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखा, तुलसी, तुलसीदास जो खंड काव्य रहा है उसका देखना इस घटना के ऊपर। तो इसके बाद जो है वो तुलसी क्या हो जाते हैं, राम भक्ति की ओर ही आसक्त जो है वो हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इसके बाद क्या है इसमें। आगे घटना घटती है कि ससुराल में जो गंगेश्वर है, गंगेश्वर कौन रहा इसमें, ये आपको याद रख लेना है कि ये इसका भाई होता है जो रत्नावली रहती है। ठीक है, गंगेश्वर और रत्नावली के व्यंग्य और उलानों से ये संदेश पाकर क्या हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं। ठीक है, कि जब ये इनको कहते हैं कि भाई तुम जो है ऐसे मतलब इसके पीछे पत्नी के पीछे पीछे ही चल रहे हो तो ऐसे नहीं चलेगा। काशी में अपने मित्र गंगाराम के लिए राम आज्ञा प्रश्नावली की रचना इन्होंने की। फिर उसके बाद फिर चित्रकूट में तुलसी के राजा भगत, तुलसी से राजा भगत व रत्नावली की बहन, लेकिन तुलसी की पूर्णतः विरक्ति होना, तुलसी जो है वो पूरी रूप से विरक्त हो गया, अब जो है इनको वापिस वो नहीं चाहता कि वो इनके साथ रहे, क्योंकि माना ही जाता है कि वो इसके पीछे पीछे आई भी थी रत्नावली, लेकिन इसने इसका परित्याग कर दिया था। ठीक है, जनकपुरी में तुलसी को स्वप्न में रामचरितमानस की रचना का आदेश होना। ठीक है, यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा कि रामचरितमानस की रचना का आदेश कहाँ पर मिला इसे, जनकपुरी में। ठीक है, स्वप्न में। और अयोध्या और काशी में व्यभिचार के चित्र देखकर तुलसी का दुखी हो जाना भी इसमें बताया गया है कि जब अयोध्या और काशी में जो व्यभिचार था, जो अपने चरम पर था, तो इससे ये क्या हो गए थे, दुखी हो गए थे। और इसलिए आप देखते हैं कि इन्होंने गानों में जो अश्लीलता वगैरह आई थी, तो इसलिए इन्होंने कौन सी रचना रची थी उस वक्त की, रामलला नहचू, और कई बार ये आरोप भी इसके ऊपर लगा कि ये इनकी कैसी है अश्लील रचना रही है, हालांकि वो उसकी उसने गानों की जो पूर्णता थी उसको दूर करने के लिए रची थी, है ना, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस रचना में जो है वो तुलसी की जो रसिकता जो है वो देखने को मिलती है, तो आपको सिंपली याद रख लेना है इनकी जो रामलला नहचू नामक कृति रही है। ठीक है, तो व्यभिचार के चित्र देखकर तुलसी का दुखी होना कहाँ पर है, अयोध्या और काशी में जो बताया गया है ये इस उपन्यास में आएगा। जगह जगह तुलसी द्वारा राम कथा व रामचरित मानस की रचना शुरू होना व समस्याएं यहाँ पर आई इसको। ठीक है, कि भले इसने रामचरित मानस की रचना जो है वो शुरू कर दी थी, लेकिन उसके रास्ते में इनको बहुत सारी बाधाएं, जैसे जो जो बटेश्वर दत्त वगैरह जैसे नाम आते हैं देखना, वो इन्हें क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, ये बात भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखिए इसको, देखना है ना। साथ ही साथ आप क्या याद रखेंगे इसके अलावा, कि लोलार कुंड में तुलसी द्वारा एक वैष्णव मठ में फिर गोस्वामी का पद स्वीकार करना, गोस्वामी यानी कि एक महंत के रूप में ये यहाँ पर महंत के पद पर इनको आसीन किया गया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, कौन से कुंड में, लोलार कुंड में। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण बात हो सकती है देखना, कि तुलसी एक वैष्णव मठ में किस कुंड में जो है वो गोस्वामी के पद पर स्वीकार पद पर बिठाए गए, तो लोलार कुंड। विरोधों के बावजूद रामचरितमानस को सराहा जाना, बहुत सारा विरोध भले ही हो रहा हो, लेकिन आप याद रखेंगे कि इसमें जो आपका ये रामचरितमानस था, इसकी रचना ये साथ साथ कर ही रहे थे, और माना ये जाता है देखना कि जो सबसे संघर्षमय इनका समय भी था, ठीक है, विरोध में, तो अरण्य कांड जो रहा रामचरितमानस का, वो संघर्ष के समय इसने लिखा था, ये बात याद रख लेनी है आपको, देखना अरण्य कांड। ठीक है, संघर्ष की स्थिति में ये इन्होंने रचा था रामचरित मानस में तुलसीदास ने। ठीक है, और जो अयोध्या कांड था उसमें न किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आई। ठीक है, अयोध्या कांड कैसा रहा, इसमें कोई भी बाधा जो है वो इन्हें लिखने में नहीं आई इस वक्त जब ये लिख रहे थे। ठीक है, तो अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि निर्बाध गति से लिखा गया कौन सा सोपान था, क्योंकि तुलसीदास ने कांडों को क्या कहा था, सोपान कहा था, तो सोपान हो जाएगा यहाँ पर अयोध्या कांड। ठीक है, अयोध्या सोपान। ठीक है, और अरण्य, अरण्य में क्या हुआ, अरण्य जंगल होता है ना, जंगल में भूल भुलैया होती है, तो मतलब वहां पर हमें संघर्ष करना पड़ता है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो अरण्य कांड में क्या हुआ, अरण्य कांड में इन्हें बहुत ज्यादा संघर्ष झेलने पड़े, और अयोध्या कांड में इन्होंने निर्बाध गति से इसको लिखा। ठीक है, एंड साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि जो ये
लोलार कुंड में ये क्या बने थे, महंत बने थे ना, तो इन इनसे आग्रह किया था टोडरमल ने, ठीक है। तो टोडरमल के आग्रह से ये मतलब क्या बने थे, महंत बने थे या गोस्वामी बने, ठीक है। तो ये पदवी इन्होंने स्वीकार की टोडर के नाम मतलब आग्रह से, ठीक है। एंड यही चीज आप यहाँ पर याद रखेंगे इसमें। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं कि इस तरीके से विरोध वगैरह भी चल रहा था रामचरितमानस का बटेश्वर जैसे लोगों के द्वारा। एंड दूसरी तरफ आपको याद रख लेना है कि बहुत सारे लोग जो है वो इस रचना से प्रभावित भी रहे, ठीक है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि काशी में उसकी कथा कराने की अनुमति भी फिर मिल गई थी। और ये लिखा जाता है, देखना, कि पूरी सुरक्षा के बीच जो है वो रामचरितमानस की कथा सुनाई, ठीक है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ जो है वो फिर काशी में ही रामचरितमानस की कथा सुनाते हैं ये, ठीक है। एंड फिर बाद में तुलसी जो अपने मठ को छोड़ भी देते हैं ये, और लोगों के बीच में सामान्य जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। ये चीज इसमें आपको याद रख लेनी है। और काशी के 80 घाट में ये आ जाते हैं। फिर अंत में इनकी रहीम से भेंट होती है, ये बात याद रखिएगा। इसमें रहीम से जब भेंट होती है एंड उसके साथ साथ काशी में प्लेग भी फैल जाता है, और ये लोगों को प्लेग से बचाने के लिए जो है उनकी सहायता के लिए आगे आते हैं, लेकिन ये स्वयं ही ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है। ये बात इसमें बताई गई है, देखना, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। जब ये सेवा में लगते हैं तो क्या होता है कि स्वयं भी ये प्लेग से ग्रसित हो जाते हैं, और लास्ट में ये विनय पत्रिका की रचना कर रहे होते हैं, और इसका इन्हें स्वप्न आता है, और ऐसे करके ही इनकी मृत्यु भी हो जाती है फिर उसके बाद, जब ये विनय पत्रिका के पद लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर पूरे के पूरे उपन्यास में तुलसी को केंद्र में रखा गया है, एंड तुलसी को रामचरितमानस के रचने के लिए विरोधों का सामना भी करना पड़ा, सामाजिक परिस्थितियां भी उस वक्त उतनी सही नहीं रही, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है। तो ये था मानस का हंस, इसकी प्रमुख घटनाएं। इसके अलावा अब हम जानेंगे कि जो मानस का हंस रहा, इसमें मुख्य कथन कौन से आते हैं, जो मोस्ट मोस्ट हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। बाकी आपने अपने हिसाब से जब कभी आपको टाइम मिले तो इसको खाली समय में जरूर पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर नरहरिदास का पहला कथन है, देखना, कि पेट को कोई स्वाद नहीं चाहिए, ये तो बीच की दलाल जीवा ही है जो स्वाद की दलाली लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कह रहे हैं, नरहरिदास कह रहे हैं ये तुलसी को। मेरा अहंकार ही मुझे निर्बुद्ध बनाता था, रत्नावली तुलसी से कह रही है, ठीक है। मेरे मन में लड़कों के लिए, विशेष रूप से उस लड़के के लिए जो मेरा पति बनकर इस घर से मुझे निकाल कर ले जाएगा, एक अनोखी चिढ़ भर दी थी। ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है, देखना ये। हालांकि ये तीनों पंक्तियां एक ही हैं, ये आपको याद रख लेनी है। मैंने यहाँ पर जानबूझ के इनको थोड़ा सा अलग अलग किया, क्योंकि ऐसे करके आपको ये याद रखना आसान हो जाएगा। कई बार क्या होता है, देखना, बीच से आपको मान लीजिए ऐसा प्रश्न पूछ लिया, आप सोचेंगे एक पल के लिए कि यार ऐसा तो तुलसीदास के उपन्यास में आ ही नहीं सकता है, यानी कि तुलसीदास किससे संबंधित उपन्यास में ऐसी चीज हो ही नहीं सकती कि मेरे मन में लड़कों के लिए, विशेष रूप से उस लड़के के लिए जो मेरा पति बनकर इस घर में आए। आप सोचेंगे या तो किसी कहानी का है या किसी और उपन्यास का है, तो इसलिए इस कथन को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, इम्पोर्टेंट कथन है, देखना ये। तो रत्नावली जो है वो तुलसी से कह रही है कि मेरे मन में लड़कों के लिए, कोई विशेष रूप से उस लड़की के लिए जो मेरा पति बनकर इस घर से मुझे निकाल कर ले जाएगा, एक अनोखी चिढ़ भरती थी। तुम्हें पाकर मैं रीझी अवश्य, पर जब किसी प्रसंगवश वह चुभन चुभ जाती थी तो मैं सहसा निर्बुद्ध हो जाती थी। बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां, देखना ये, इन तीनों पंक्तियों को याद रखिएगा। कुल मिला के ये एक की ही पंक्ति है, और ये पंक्ति किसकी है, रत्नावली की है, ठीक है। फिर मेघा भगत का कथन है यहाँ पर, देखना है कि किसी वस्तु पर रिझ जाओ और फिर रिझते हुए चले जाओ, तुम्हें तुम्हारा अभीष्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये कौन कह रहे हैं, मेघा भगत कहते हैं। आगे आता है रत्नावली का एक और कथन, पीहर का पक्ष लेना नारी मन की नैसर्गिक, नारी मन का नैसर्गिक न्याय है कि भाई पीहर क्या हुआ, पीहर वो पति है ना, उसका पक्ष लेना नारी मन का नैसर्गिक न्याय है भाई। जब मनुष्य चाहता है तब कुछ नहीं होता, जब ईश्वर चाहता है तब सब कुछ सिद्ध हो जाता है, और जब मनुष्य और ईश्वर दोनों मिलकर चाहते हैं तब कुछ भी असंभव नहीं होता। ये गंगाराम का कथन इसमें आया है, मोस्ट कथन है सर, ये आपको ध्यान में रख लेना है, बड़ा इंपॉर्टेंट कथन है ये वाला। रूप प्रेम है और लोग उसे पाने का मार्ग, मार्ग न तो मनुष्य,
न हो तो मनुष्य मंजिल तक कैसे पहुंचे। तुलसी, तुलसी के जितने भी कथन है ना सारे ही महत्वपूर्ण हैं, इन सबको पढ़ डालिए एक बार, है ना। इन सबको देखिए कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर तुलसी ने कहे हुए हैं, ठीक है। पेट और नारी, इन्हीं दो से संसार नाचता है, ये बाबा नर हरिदास कहते हैं, देखना इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो शुरुआत में हमने बोला था ना, जो अमृतलाल नागर का कथन है, देखना इसके आमुख में उसी कथन से मिलता जुलता कथन है ये वाला, कि वर्णाश्रम धर्म को मानता हूं किंतु प्रेम धर्म को वर्णाश्रम से भी ऊपर मानता हूं। तो ये मतलब किसको मानते हैं, देखना ज्यादा महत्व किसको दे रहे हैं, प्रेम धर्म को, मानवता को, इंसानियत को, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर याद रखिएगा कि बोल रहा है कि भले ही मैं वर्ण व्यवस्था को मानता हूं लेकिन प्रेम धर्म को इससे भी मैं ऊपर मानता हूं, सबसे बड़ा है प्रेम भाव, है ना। ये बात तुलसी का कथन है, मोस्ट है ये कथन, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है ना। इसके अलावा और भी रहे, कैलाशी से तुलसी कह रहे हैं, कैलाश से, ठीक है। तो ये भी इसमें एक पात्र आता है, देखना, जो मैंने आपको पहले बता दिया इसके बारे में। ये खरी आलोचना करने में कबीर जी मेरे आदर्श हैं, जहां झूठ को देखा वही खींच के ऐसा झापड़ मारते थे कि थोथे अहंकार की चमड़ी उतर जाती थी, ठीक है। आगे ये क्या कहते हैं, मनुष्य अपने सामर्थ्य के अनुसार ही आगे बढ़ता है, फिर हर एक की प्रकृति में थोड़ा बहुत अंतर भी होता है। तुम कवि हो, बेलाग बात कहना तुम्हारी प्रकृति में है। तो ये भी कैलाश से ही कह रहे हैं तुलसी। आगे दो कथन और आते हैं, देखना। पापी लोग पुण्यशील महात्माओं के शत्रु होते ही हैं, ठीक है। कवि बड़ा लहरी होता है, अपनी ही समर्थित तरंग को काटते हुए भी उसे देर नहीं लगती, ठीक है। तो ये कथन भी इस उपन्यास में आए हैं, इन्हें आपको याद रखना है। तो ये थे मानस का हंस नामक उपन्यास के जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध कथन हैं, जिन्हें आपको एक बार देखना है। इसके अलावा अगर आपको कहीं और भी मिलते हैं, अगर आप नेट से भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको बहुत सारे कथन जो है वो इनके मिल जाएंगे। एक बार आप जो है इन्हें जरूर देखिएगा कि कौन कौन से ये जो इसमें आपके कथन आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उपन्यास हो जाता है समाप्त। अब आती है बारी की उपन्यास के बारे में आलोचकों ने क्या कहा, ठीक है। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि खुद भी ये काम कीजिएगा, और जहां जहां जिन जिन उपन्यासों के लिए मैंने आपको रखे हैं उनमें आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन उपन्यासों में मैंने आलोचकों के कथन नहीं बताया ना, उनको आपने जरूर करना है ये काम खुद से, ठीक है। वैसे तो लगभग मैंने कोशिश की है कि लेखकों ने किस किन उपन्यासों के बारे में क्या क्या बात कही है, लेकिन फिर भी अगर कोई छूट जाता है तो वो चीज आप एक बार जरूर देखें, ठीक है। मानस का हंस के संबंध में जो आलोचकों के कथन है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, ये है डॉक्टर बच्चन सिंह का। ये क्या कहते हैं, मानस का हंस में राम और काम का द्वंद्व है, ठीक है। ये शुरुआत से ही बात आई, देखना, एक तरफ जो है वो अध्यात्म की ओर प्रवृत्त होना चाहता है, दूसरी तरफ वो जो है वो काम के प्रति भी आसक्त होता है, और कामाशक्ति के चलते ही जो है वो भरी बरसात में अपनी पत्नी के पीछे पीछे चल पड़ता है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ वो जो है राम भक्ति की ओर भी प्रवृत्त हो रहा होता है, और इस वजह से इन दोनों में समन्वय स्थापित करते हुए वो आगे निकले, लेकिन काम को फिर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा, ये जो कथन है पूछा है ये प्रीवियस ईयर पेपर में, देखना, इसे याद रखना पड़ेगा। फिर आता है मानस का हंस में नागर जी ने अपने तुलसीदास विषयक विजन को वर्तमान और अतीत दोनों कालों में व्यवस्थित करने का प्रयास इसमें किया है। ये डॉक्टर गोपाल राय मानते हैं कि इसने अतीत और वर्तमान दोनों में ही इसको क्या किया है, चित्रित करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। डॉक्टर मिश्र क्या कहते हैं, उनका मानना है कि नागर जी ने अंतः साक्ष्य और बहिस्साक्ष्य के आधार पर तुलसी के चरित्र की बहुत जीवंत और प्रभावशाली रचना की है। तुलसी के चरित्र की जीवंत और प्रभावशाली रचना किसने कहा, डॉक्टर मिश्र ने। फिर उसके बाद आते हैं डॉक्टर योगेंद्र, इन्होंने क्या बात कही, ये बोलते हैं कि हिंदी कथा साहित्य में भले ही प्रेमचंद कथा सम्राट माने जाते हैं, जो बात मैंने शुरुआत में आपको कही थी, देखना, वो यही कथन है, ठीक है, कि हिंदी कथा में भले ही प्रेमचंद जो है वो कथा सम्राट हैं, लेकिन उनके गोदान की टक्कर का कोई कालजयी उपन्यास अगर कभी ढूंढा जाएगा तो समीक्षक निश्चय ही मानस का हंस को स्वीकार करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, देखना, कि डॉक्टर योगेंद्र ने हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद के बाद, अगर किसी प्रेमचंद के गोदान के बाद उसके टक्कर का कोई उपन्यास बोला तो किसे माना, मानस का हंस को माना है। महत्वपूर्ण है ये कथन। ये कथन यहीं पर समाप्त नहीं होता, इनका कथन आगे भी आता है, देखना, यहाँ पर है आधा कथन इनका। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, एक ही कथन है लेकिन इनको फिर से मैंने यहाँ पर दो बना दिया है। यहाँ पर देखिए, जिन महाकवि
तुलसी ने विश्व साहित्य को काल्जे की रचना के रूप में रामचरित मानस, इसको सिंगल इनवर्ट में लिख लेना आप, रामचरित मानस जैसा महाकाव्य दिया है। उन्हीं के कथानक नागर ने अपने इस कालजयी उपन्यास मानस का हंस में अमृत बना दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कथन भी कि भाई जिस तुलसीदास ने क्या किया, विश्व साहित्य को कालजयी रचना के रूप में रामचरित मानस जैसा महाकाव्य दिया और उन्हीं के कथानक नागर ने अपने इस कालजयी उपन्यास मानस का हंस में उसे अमृत बना दिया, मतलब उसके लिए मतलब उसको इसने और अच्छे तरीके से अभिव्यक्ति उसको प्रदान की। ठीक है, मानस का हंस एक सार्थक और विशिष्ट उपन्यास है, इसलिए हम इसे मात्र तुलसी की प्रामाणिक जीवन के उपन्यास के रूप में पढ़कर संतुष्ट नहीं होना चाहते, ये रामदर्श मिश्र कहते हैं। ठीक है, ये थे इसके प्रमुख प्रमुख कथन, आलोचकों ने जो इसके बारे में कहे हैं। इन कथनों को आप थोड़ा सा याद रखें, बाकी यहाँ पर आपको और इस उपन्यास से कुछ भी नहीं देखना है। हमेशा आज तक जितने भी बार यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, या तो इसकी विषय वस्तु को देखकर पूछा गया है कि कामाध्यात्म की समस्या किसमें बताई गई है, तो वो मानस का हंस है, या फिर पूछा गया है कि इस उपन्यास में कौन सा पात्र आया है और पात्रों में भी गौण पात्र। ठीक है, तो इन्हें आप एक बार जरूर पढ़िएगा जो इसके गौण पात्र हैं। मुझसे अगर कोई पात्र इसमें छूट गए हैं तो उन पात्रों को भी आप जो है वो थोड़ा बहुत जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये था आपका अमृतलाल नागर का मानस का हंस। आई होप कि आप सब लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा।